नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हम तीन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और पहले देखने वाले हैं जिसको हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं वो हम देखेंगे कि कितना हमारे लिए ठीक था, उसमें कैसे हमने 1% एक्स्ट्रा जनरेट किया। और एक्स्ट्रा 1% एक छोटी सी गलती जो आप कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना एसेट एलोकेशन ठीक करके उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ है, और उस बेसिक सी चीज़ के साथ आपको एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ भी सिखाऊंगा, क्योंकि सिर्फ बेसिक चीज़ें तो आप सीखने नहीं आए, लेकिन जो बिगनर हैं उनके लिए बेसिक ही बहुत है, और जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हैं उनके लिए थोड़ा सा और भी कुछ सीखने को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो डिले की क्यों करना, चलते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सागर दास जी की बात करें, तो इन्होंने कहा प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो एटलीस्ट 25 ईयर्स एक्सपेक्टिंग CAGR ऑफ एटलीस्ट 20%। नहीं मिलेगा, ठीक है। SIP ऑफ 3000 इन ईच फंड, टोटल SIP ऑफ 15000, आई हैव सेलेक्टेड दिस ग्रोथ, हाई ग्रोथ प्लस लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो सर मुझे नहीं पता आपने अगर पांचों फंड एक ही स्ट्रेटजी पे चुने हैं तो इसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आपने कहाँ देख ली, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट है ही नहीं ये, और ना ये था, ठीक है। हाँ, इन तीनों को मैं बोल सकता हूँ कि पराग पारिक, SBI मैग्नम मिड कैप और निपोन इंडिया, ये तीनों लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं, लेकिन टाटा को लेकर और मोतीलाल ओसवाल को लेकर मैं तो अभी श्योर हूँ ही नहीं। तो आप किस बेस पे शोर हुए वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, देखिए ये चीज़ ना जो आपने कहा कि 20% मिल जाना चाहिए आपको, ये मैंने क्यों बोला कि नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ने दिया 10-12% रिटर्न, ये बहुत ज़्यादा होता है। और अगर मार्केट 12% रिटर्न दे रहा है ना, तो जाके आप 15, 17, 18, 19 निकाल पाते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में तो अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखना, क्योंकि ये आने वाले टाइम में ना, ये इनमें से आपको 3-4 फंड तो चलते हुए नहीं दिखेंगे, तो क्या करोगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मोतीलाल ओसवाल में आपके 100 में ETF में है, प्रेजेंट वैल्यू 70,000 रुपये है, तो विल नॉट ऐड मोर ऑन इट, ये आप गलत कर रहे हैं, इसमें आपको ऐड करना चाहिए। अच्छा है, लास्ट ईयर भी 52% रिटर्न दिया है, 20% से ज़्यादा रिटर्न देता रहता है, ठीक है। चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है, बस इस तरह से मैनेज करते रहिए, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का, इस तरह से मैनेज करते रहिए। और एक्सपेक्टेशन कुछ मत रखिए कि 20% आपको मिल जाएगा या कुछ, मिल गया तो वेल एंड गुड है, नहीं मिला तो छोड़ दीजिए, बस क्वालिटी अच्छी रखिए, ठीक है ना। 20% किसी नंबर के पीछे मत भागिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो, मैं बिगनर हूँ, पिछले 7 महीने से SIP कर रहा हूँ, मैंने पोर्टफोलियो में चेंजेस भी किए हैं। मेरा पोर्टफोलियो टाटा स्मॉल कैप, HDFC निफ्टी कैप, यहाँ पे SBI कॉन्ट्रा, JM फ्लेक्सी कैप, SBI मैग्नम, कोटक डेट फंड, ठीक है। देखो एक चीज़ मैंने आपको बोला ना कि जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ शायद बुरी लग जाए, देखो हम ना कभी भी, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, क्लाइंट हैं या कोई भी थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो मैं कभी भी किसी को भी जज नहीं करता उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे, कि ये बंदा 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, ये बंदा 2,000 या 4,000 इन्वेस्ट कर रहा है, और दूसरा 2,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, तो दूसरा बड़ा हो गया, ठीक है, पहली बात। लेकिन हाँ, ये चीज़ आप तब तक इग्नोर कर सकते हो जब तक आप स्ट्रेटजी प्लान नहीं कर रहे। जिस दिन आप स्ट्रेटजी प्लान करने बैठे, ओन पेपर लेके बैठे, तो वो 2,00,000 रुपये मैनेज करना और वो 4,000 रुपये मैनेज करने में बहुत डिफरेंस आ जाता है। और वही चीज़ यहाँ पे है, आप सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये डाल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला ना कि ये शायद चीज़ बुरी लगे, लेकिन साफ सीधी बात है कि ये 3,000 रुपये हैं, इसको इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए इसमें, इसको सिर्फ और सिर्फ घुमा के 3 फंड में डाल दीजिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ 3 फंड की बात करूँ, तो आपके पास कोई भी फंड ऐसा मुझे नहीं लग रहा जो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट वाला हो। एक ये थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, एक ये ठीक है, और एक ये ठीक है। अब इन तीनों में प्रॉब्लम ये है कि SBI मैग्नम में एक छोटी सी दिक्कत ये है कि यहाँ पे SBI कॉन्ट्रा और SBI मैग्नम 2 फंड सेम हो गए, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल कैप का एक्सपोजर नहीं रहा, तो हमें एक स्मॉल कैप चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं कि मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, SBI कॉन्ट्रा ऐड कीजिए, ठीक है, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप अच्छा सा ऐड कर लीजिए, और उसमें 1,000-1,000 रुपये डाल दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ मैं नॉर्मली मार्क कर रहा हूँ, इन फंड की क्वालिटी को चेंज कर लीजिएगा, SBI कॉन्ट्रा पड़े रहने दीजिएगा, और 3,000 रुपये डालिएगा मेरे भाई सही तरीके से। क्योंकि देखो मज़ा तभी आएगा आपको कि जब यहाँ पे 10-15% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएगा। 500 रुपये डाल के टोटल महीने साल में हमने 6,000 रुपये डाल भी दिया, तो उस पर मुझे 2-4% एक्स्ट्रा मिल भी गया, तो क्या ही मिल जाएगा, 120-130 रुपये। तो वो चीज़ है, थोड़ा सा अगर आप उसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके डालोगे, थोड़ा सा नैरो डाउन कर दोगे चीज़ों को, तो रिटर्न्स देखने में भी मज़ा आएगा, और आपको ये भी पता लगेगा कि आपने 3 जो सिलेक्ट किए थे वो कैसे सिलेक्ट किए। होपफुली आपने इस चीज़ का आपको बुरा नहीं लगा होगा, और आप इस चीज़ को समझेंगे कि अमाउंट फैलाना तब ठीक है जब अमाउंट बहुत ज़्यादा डल रहा हो। अभी अमाउंट बहुत कम डल रहा है, और इतना डाइवर्सिफिकेशन ठीक नहीं है अमाउंट के हिसाब से।
अब इस पोर्टफोलियो को हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं. हेलो सर, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एंड योर चैनल. थैंक यू, सेम टू यू. आई स्टार्टेड SIP फ्रॉम 1 month. इट वुड बी वेरी हेल्पफुल इफ यू रिव्यू माई पोर्टफोलियो. वट मॉडिफिकेशन आई नीड टू डू इन माई पोर्टफोलियो होराइजन 15 years. ठीक है, अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि आप इतना बड़ा गैप क्यों डाल देते हो. क्यों डाल रहे हो इतना गैप? मत डालो. कि एक फंड में तो आपने 2000 डाल दिए, एक कैटेगरी में आपने 2000 डाल दिए, दूसरी कैटेगरी में आपने 10000 डाल दिए. दूसरी तरफ यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल नैसडैक में आपने 5000, निपोन इंडिया स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप में आपने 3000 रुपये डाल दिया. तो आपका रिटर्न जो बन रहा है, टोटल बन रहा है 41%. छोटी सी चीज़ करनी है आपको. क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ पराग पारिक में से थोड़ा सा पैसा निकाल के मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में शिफ्ट कर देना है. आपका 1% रिटर्न बढ़ जाएगा. ये तो हो गई पहली चीज़. ठीक है, दूसरी चीज़ आपको समझा दूंगा. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखिए कि 62% रिटर्न, सॉरी 62% ये लार्ज कैप कंपनीज में है, 25% यहाँ पे, 10% इधर. तो जो कि एक अच्छा नहीं है. फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छा खासा एक्सपोजर है, ये अच्छी चीज़ है. हेल्थ केयर में अच्छा खासा है, ये सब एक्सपोजर अच्छे हैं, ऑलरेडी अच्छे हैं. तो चेंज भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. इसको हम डिटेल में नहीं देख रहे, लेकिन हमने यहाँ जो चेंजेस किए उससे रिटर्न आप देख लीजिए क्या हो गए. वहाँ 41 point something थे, या 42.9, यानी रफली 43 हो गए हैं. तो ये जो 1.5-2% का फ़र्क आया ना, ये कैसे आया? ये हमने इस पराग पारिक में एक्सपोजर कम किया. और अब आप कहेंगे पराग पारिक में एक्सपोजर कम कर दिया तो लार्ज कैप कंपनियाँ कम हो गई होंगी और हमारा बेस तो वहीं से बनता है. तो वो भी देख लेते हैं. लार्ज कैप अभी भी स्टिल 54% है, 33% मिड कैप है और 11% इन दोनों, इसमें 8% एक्सपोजर और इसमें 1% एक्सपोजर, यानी कि स्मॉल कैप में 1% और मिड कैप में 8% एक्सपोजर बढ़ा दिया है. ये एक्सपोजर बढ़ाने से ही सब कुछ चेंज हो गया. सर्विसेज में फाइनेंशियल सेक्टर सिर्फ 15% है. ये कभी किसी पोर्टफोलियो में ऐसा हुआ है? आपने मेरे, मैं कह रहा हूँ 100 वीडियो डाल दी होंगी हमने पोर्टफोलियो रिव्यू वाली, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये सेक्टर थर्ड नंबर पे हो. और इन दोनों के बीच का गैप मैं हमेशा बोलता हूँ करके देख लो, ये लो कर लो, 2.25 के अराउंड आएगा, 2.2 something लगा लो. तो एक अच्छी बात है, हेल्थ केयर सेक्टर भी मिल रहा है, केमिकल सेक्टर भी मिल रहा है, टॉप पे ही मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी मिल रहा है. तो ये अच्छे सेक्टर हमें ऊपर ही मिल जाएंगे. और सबसे बढ़िया top 3 में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल आ गया. ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विस आ गया, परसिस्टेंट सिस्टम, जोमेटो हमारा top 5 में आ गया, अमेजोन आ गया, HDFC बैंक भी पीछे नहीं है. जो मेनली 5 star हैं वो भी बहुत ज़्यादा 5 star और 4 star पीछे नहीं है. ये रहे, ये रहे, ये रहे, यहाँ पे 4 HDFC फंड हो गया, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, ये हो गए. और जो अनरेटेड या नॉन एप्लीकेबल हैं, जैसे कि जियो फाइनेंशियल अभी नया है, जोमेटो अभी नया है, अमेजोन US का हो गया, एप्पल US का हो गया, माइक्रोसॉफ्ट US का हो गया. तो क्वालिटी एक बहुत ज़बरदस्त मिली है यहाँ पे आपको. ठीक है, तो ये फंड क्वालिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया बन गया. और आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें. मिलते हैं अगली वीडियो.